रानीखेत माउंटेनियरिंग एंड आउटडोर क्लब के 2024 कैलेंडर वर्ष द्वारा जनवरी माह में वनडे हाइक का आयोजन कराया गया। हाइक में 11 वर्ष से 73 वर्ष के नागरिकों ने भाग लिया। इसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं, वरिष्ठ महिला और पुरुषों, एसएसबी के ऑफिसर्स और जवान, केआरसी और सप्लाई डिपो के अफसर आदि शामिल रहे। ट्रैक में आरएमओसी के वरिष्ठ सदस्य श्यामलाल साह गंगोला, अनिल गोयल, जिया खान ने भी भाग लिया और नौजवान पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ट्रैक की अगुवाई आरएमओसी के सदस्यों ने की। क्लब की सदस्य शीतल ठाकुर ने ट्रैक को लीड किया। गोल्फ ग्राउंड से शुरू करके ट्रैकर्स डेलमोटी के जंगल से होते हुए बातुलिया गांव और वहां से सुंदरखाल होते हुए मझली में ट्रैक को पूरा किया। 37 लोगों के इस ग्रुप ने पहाड़ के रहन सहन को करीब से देखा, नदी और पहाड़ पार किया, घने जंगलों में ट्रैक किया। इस 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग यात्रा के एंड में एक डीब्रीफिंग सेशन में सभी लोगों ने अपने अनुभवों को साझा किया और ये भी बताया कि उन्होंने किस प्रकार ट्रैकिंग के दौरान आई प्राकृतिक बाधाओं पर विजय पाई और किस प्रकार उन्होंने इस 16 किलोमीटर ट्रैक को अपनी शारीरिक क्षमताओं को चुनौती देते हुए पूरा किया। पूर्व एसबीई चंद्रशेखर जैन और उनकी पत्नी वीना जैन सबसे वरिष्ठ सदस्य थे और उन्हें सीनियर मोस्ट पार्टिसिपेंट के रूप में सम्मानित किया गया। आरएमओसी ने एसएसबी आईजी श्री अमित कुमार को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद प्रेषित किया। एसएसबी कमांडेंट राजेश ठाकुर आरएमओसी के सभी एडवेंचर प्रोग्राम्स में अग्रणी योगदान देते रहे हैं। आरएमओसी के अध्यक्ष सुमित गोयल ने बताया कि मार्च महीने में क्लब रॉक क्लाइंबिंग कोर्स का आयोजन करेगा जिसमें 8 से 80 वर्ष के लोग भाग ले सकते हैं। उपाध्यक्ष विवेक पांडे और सचिव अनुज साह ने ट्रैक के पश्चात अनुभव साझा करने के सेशन की अगवानी की। अंत में सम्मान वितरण ट्रैक के सबसे युवा बालक 11 वर्ष के भूविक सिंह असवाल ने किया।